was originally planned for May release. फिर May से वो जुलाई पे गए, जुलाई पे now it's August. और since it's a massive film, it will clash with Sonakshi's film, Khandani Shafa Khana. So what's the strategy behind it? पहले ये बताइए delay का क्या कारण रहा और फिर दूसरा what's the strategy to for the clash? Yeah. डिले का तो सबसे बड़ा रीज़न था कि कुछ शूट जो है बारिश की वजह से लखनऊ में हम नहीं कर पाए थे. सो उसके बाद फिर परी और से दोनों बिजी हो गए दूसरी फिल्मों में. सो डेट समय आई थिंक मार्च अप्रैल के आसपास कहीं मिली जो हमने शूट किया. गाना और चार पांच दिन का जो पैच वर्क था उस वजह से मई तो हम नहीं आ सकते थे. अब बाकी ये बात क्लटर्ड की तो आज मुझे लगता नहीं कि कोई एक फिल्म सोलो कहीं रिलीज़ हो पाएगी या हो रही है अभी. सो किसी न किसी के साथ किसी न किसी को तो आना पड़ेगा. So as we intentionally, this is the date we thought we are ready to come, so we are coming. And since it's a Masi film, उन्होंने अपनी मासी से पूछ लिया था. Sir, we were waiting for this. माइक ले लो प्लीज. बहुत सारे ऐसे जोक्स आने वाले हैं गाइज, प्लीज बी प्रिपेयर्ड. ये होने वाला है बहुत. सर इनका माइक ऑफ कर. सर सुना बहुत है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी और मुझे लगा पहली फिल्म अगर रोमांस की बनानी है उठने उठाने पे इसका एक मिक्सचर बहुत मजेदार कहानी. जबरदिया शादियां होती है, लड़कों को जबरदस्ती उठा लिया जाता है. बट क्यों उठाया जाता है? हाँ. वो एक बहुत ही उसके पीछे कॉमिकल सी चीज है. राइट. कि इसलिए उठाया जाता है कि दहेज ज्यादा मांगते हैं. ओके. तो आई थॉट कि बहुत अच्छा जवाब है दहेज के खिलाफ. एंड ये एक तरीके से आपको लगेगा कि बहुत क्रिमिनल सी चीज है. बट क्यों ये कर रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग और ये बहुत फनी हो जाते हैं. राइट. मैंने ये सवाल सोचा था एकता के लिए एंड ऑफ कोर्स शैलेश सर के लिए. अब आप हैं, प्लीज हमें बताइए इन दोनों को कितना धमकाना पड़ा परी को और सिद्धार्थ को यहाँ पे, या उठवा ही लिया था कि भाई तुम्हें ही चाहिए हमको? आई थिंक सबसे पहले सिद्धार्थ को हमने अप्रोच किया था और पहली बार सुनने के बाद ही उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ मैं मुझे फिल्म करनी है. ऐसी सारी लड़कियों को ले गए थे, 100 लोग बाहर से घर से स्टोरी और ये कैरेक्टर आई थिंक इन्होंने पहले नहीं किया था. उसके बाद परी को हमने सुनाया, आई थिंक उन्होंने भी पहले सुनने के बाद बोला हाँ मैं कर रही हूँ. तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, भेजने नहीं पड़े गुंडे चुंडे, इसको भेजना नहीं पड़ा. अच्छा. ओके. यू नो अक्सर एक्टर्स की जब बात करते हैं, मेथड एक्टिंग की लोग बड़ी बात करते हैं. आप लोग को जब भी हमने देखा, यू गाइस गेट इनटू द यू नो द कैरेक्टर, यहां पे से कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या करना, उठवाया लोगों को, उठाए क्या करा? मुझे एक्चुअली लड़कियों को उठाने का एक्सपीरियंस था, बट यहाँ पे लड़कों को उठाना था तो काफी मेहनत लगी, काफी प्रैक्टिस लगी जी. और बड़ा मुश्किल था उसको कन्विंसिंग भी करना क्योंकि लड़कों में इतना इंटरेस्ट मतलब है तो, बट लड़कियों में अलग इंटरेस्ट है, अलग लेवल है, अलग लेवल. यादव साहब आप बताएं हमें थोड़ा सा. या प्लीज टेल अस हाउ वाज इट फॉर यू. मुझे लड़के उठाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये कह सकते हैं अभी प्रैक्टिस हो गई है. जब मेरी शादी होगी आई थिंक वो मानेगा नहीं तो मैं ये करने वाली हूं. हम तैयार है. ओह इसे कहते हैं जवाब उठाने के लिए. साथ देने के लिए, साथ देने के लिए तैयार है भाई, तैयार. हाँ कर दिया यार सिद्धार्थ ने, यही छापने वाले हो. जी हाँ, गौर से सुनिए. राइट जावेद सर, यू नो वन मोर टाइम, मतलब जैसे कहते हैं ना ठोक डाला बजा डाला कमाल कर डाला. व्हाट डू यू हैव टू से, यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कास्ट एंड क्रू? इट वाज फॉर मी वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज अप्रोच्ड टू प्ले द फादर ऑफ अ लीडिंग मैन. आई सेड ओके इट्स अ फर्स्ट स्टेप बट आई हैव टू डू इट समवेयर, तो कहीं तो करना है. तो मुझे स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लगी, प्रशांत ने जब हमें सुनाई तो बहुत कन्विंसिंगली एक सेट सिटिंग में हम समझ गए कि ये बड़ी सही फिल्म है. सिद्धार्थ का नाम लिया, आई लव हिम, आई एडमायर हिम, हीज गॉट अ ग्रेट पर्सनालिटी. उस तरह नहीं, आल्सो दे आल्सो उस तरह नहीं. तो बट सो आई एंड परिणीति ऑफ कोर्स आई लव द वे शी इज, यू नो इट्स लाइक ऑर्गेनिक है, शी ग्रोज विद द रोल. सो आई जस्ट लव द कास्ट व्हिच केम टुगेदर एंड तो मुझे लगा कि इसका एक हिस्सा बनाना जरूरी है. तो ठीक है, बाप सही तो बाप सही, कोई बात नहीं. Absolutely. Chandan, this one's for you. You know, we saw the masti on the big screen. साथ ही यहाँ पे ये जो banter हो रहा है, इसमें ही समझ में आ रहा है क्या-क्या set पे घटा होगा, and especially with Pari and Sid. So please tell. अरे इतनी मुस्कुराहट, बताओ अंदर की बातें. तो थोड़ा सा बताओ, हाँ थोड़ा कुछ दो मसाला. हाँ तो मतलब सिद्धार्थ परिणीति और हम तो खैर सिद्धार्थ की तरफ से हैं, लड़के वालों की तरफ से हैं. ये लड़के वालों की तरफ से है. आवाज दीजिए यार, लड़के वाले हैं भैया, किसी को उठा के ले जाएंगे. अरे यार मेरी लड़की वाली को भी बुलाओ यार. ये दे स्विंग बोर्ड में.
तो सबसे पहले जरूरी था मतलब कि जो प्रशांत ने जब कहानी हमको पढ़ने के लिए दी थी तो सबसे जरूरी था कि एक तो हमको ये भोजपुरी जो भाषा है, जो बोल है, चाल है, वो सीखना था। तो सिद्धार्थ और हम वहाँ से शुरू हुए हमारी जर्नी। और फिर हम पहुँचे वहाँ पे, मतलब मैक्सिमम जहाँ पे हम लोग को शूट करना था, तो हम लोग शायद 100 महीने तो वहीं रहे थे हम लोग एक तरह से। आप तो नहीं थी वहाँ पे। मैं अग्री कर रही हूँ। मैं होटल में वेट कर रही थी ना, तुम लोगों का खबर रखती हमारा। तो 100 महीने हम सिद्धार्थ, हमारे और भी 2-4 पंटर है, हम लोग सब एक साथ सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक वहीं रहते थे। कभी लुंगी में, कभी कभी क्या पोल खोल रहा भाई, तो क्या डिटेल में मजा नहीं बस रहते थे इतना। बेसिकली जो मैसेज की बात या हुई है तो कई तरह से हमने मेरे वो किया है, इस चरित्र को हम लोग ने सबने निभाया है, जिया है। और आप लोग जो सिद्धार्थ के यहाँ फैंस हैं बहुत सरप्राइज होंगे, जो उन्होंने जो इस फिल्म में जो कमाल किया है वो आप देखेंगे। And again, character में घुस के जिस हिसाब से वो बोल चाल रंग ढंग, that's amazing. एक बार जोरदार तालियां, come on ladies and gentlemen. And now, it's over to the video. I just want to add one thing. You know, honestly, after, because Sid को मैंने देखा था as a super, very good personality person on, in other films. इस फिल्म में जब मैंने साथ में काम किया, you know, he's really बहुत मेहनत करके he's gone under the skin of the character और एक नए तरीके का एक बहुत मजावा काम किया है. So I really, thank you sir. Amazing. Thank you sir. It's over to the media. आप लोग अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। And we start from there. Hi, Jyoti, this side from Movies Adda. Concept बहुत अच्छा है, आप दोनों बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। परिणीति आप भी बहुत you know राउडी अवतार में नजर आ रही, कि आज तो मैं उठा के ही रहूंगी इसको। But other than that, अगर बॉलीवुड में से किन्हीं दो लोगों की आपको जबरिया जोड़ी बनानी हो तो वो कौन होंगे? जितने भी एक्टर्स हैं बॉलीवुड में से, उनमें से किसी को जबरदस्त हमारे अलावा कोई इस टाइटल के हकदार में नहीं है। ओनली अस। नहीं, रियल लाइफ में अगर आप दोनों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए कि किन्हीं दो लोगों को उठा के इनकी जबरदस्ती शादी करवानी है, तो वो कौन से दो एक्टर्स होंगे अदर देन यू बोथ? प्रॉब्लम ये मैम, जो दिमाग में हमारे नाम चल रहे हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन है कुछ लिस्ट है हमारे पास। किधर है माइक? हाँ जी, हाँ बिना माइक की आवाज आती है, चलो यार। बिल्कुल, ये ऐसे ही करती है मेरी जिंदगी में आके उथल पुथल। पिछली बार हम लोग एक अलग जोन में आए थे और इस बार इतने सालों बाद ये बहुत ही कलरफुल पटना की दुनिया में जबरिया जोड़ी जो ये प्रथा है उस दुनिया में आए हैं। आई थिंक इस बार आपको और भी ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एक रिलेटेबल कॉन्सेप्ट भी है, कि जो ये प्रथा होती है बिहार में और उसको हमने एक कॉमिकल वे में दिखाया है। इसमें जो दहेज की प्रथा है उस पर एक मैसेज भी है, बट इन अ फन वे। इट्स अ लव स्टोरी व्हिच हैज सो मच दैट बोथ ऑफ अस हैवन प्लेड बिफोर। या आई थिंक हंसी तो फंसी के बाद आर पेयरिंग मोर देन इंडिविजुअल, वी गॉट सो मच लव एज Sid Neeti, how you guys call us. So Sid Neeti got a lot of love and kai baar hum log film ki koi baat karte the, but we never used to do it because humko hansi to fansi se kuch bahut alag karna tha. You know, we wanted to do a love story, we wanted to do a story together with that kind of chemistry, lekin in a totally different world. So jab ye film aayi, actually Sid called me that you know there's this film and I think we should, you know, you should talk to Ekta. And I was just scared ki I hope phir se us space mein now, but it was totally different. So in fact I was very excited ki if I am coming back with Sid after like 5 years, it should be with this film. Maine paper mein zarur dekha tha, but bahut hi matlab briefly aisa hi you know browse karte waqt, but jab maine ye concept suna ki hamare writers ne aur hamare director sahab ne जिस तरह इसको एक लव स्टोरी में एक कॉमिकल वे में दिखाया है, कि ये हम लोग मेरे और सारे लौंडे लोग जो उठाते हैं पिताजी के आज्ञा पे लड़कों को उठा के दहेज की प्रथा के अगेंस्ट यू नो उनकी शादियां करवाना, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पिक्चर में और कि एक पुण्य का काम कर रहे हैं और वो आप देखेंगे कहानी में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि लास्ट ईयर भी आई थिंक ऐसे काफ़ी सारे केसेस वहाँ पर हुए हैं, कम से कम 100 से ऊपर की लोगों ने कंप्लेंट्स करी है पुलिस में कि यार जबरिया शादी हो गई और लड़कों को उठा लिया गया।
तो देखते हैं इस पिक्चर से कितना असर पड़ता है। सिद्धार्थ सिद्धार्थ यू आर राइट। हाँ हाय, जैसे आप बोलिए बहुत ही अलग हिंटरलैंड वाली दुनिया है जो बहुत रिमूव है हमारे। माइक यूज कर लो जो हाथ में। ये बहुत ही एक अलग हिंटरलैंड वाली दुनिया है जो बहुत रिमूव्ड है हमारे मॉल से। तो आप डिड यू गेट अ चांस टू मीट एनी रियल जबरिया जोड़ी वाइल शूटिंग या कुछ तरह से ब्रीफ एनकाउंटर भी अगर हुआ उनके साथ? तो मिले तो नहीं बिल्कुल कि आई डोंट थिंक कि वो लोग हम किसी ने कांटेक्ट किया है। हमारे राइटर्स जहाँ से इंस्पायर हुए वो उन्हीं को पता है, हमारे डायरेक्टर साहब जहाँ से इंस्पायर हुए। एज ए राइटर संजीव झा जिन्होंने इसका पहला कहानी का आइडिया हमारे पास लेके आए थे, उन्होंने अपने आसपास के इलाकों में गांव में जहां वो रहते हैं मोतिहारी से बिलोंग करते हैं वहां पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी थी। उन्होंने उसका जिक्र किया मुझसे और मैं उनके साथ फिर गया। मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूं बट मेरा मेरी परवरिश यहीं पे हुई है। हम साथ में गए, हम ऐसे जोड़ियों से मिले, ऐसे लोगों से मिले और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई जो हमने पूरा घोल के इस फिल्म में डाल दिया और एक रोलर कोस्टर राइड आपके लिए बना दी। यू शुड सी इट, यू विल गेट टू नो अ लॉट फ्रॉम द फिल्म। परी आप दोनों से सवाल था, राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा, कितना मजा आया लोगों को जबरदस्ती शादी करवा के? और दूसरा सवाल ये था कि अगर इन फ्यूचर आपकी जबरदस्ती दोनों की शादी हो जाए, आपकी किसी और से आपके किसी और से जबरदस्ती करा दी जाए तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे आप? एक्सेप्ट करेंगे या छोड़ देंगे आप? इसका जवाब आपको हमारी पिक्चर में मिलेगा कि कितना मजा आया वो दिखेगा आपको। मुझे पर्सनली ये जो भाषा है, ये जो दुनिया है, इसमें घुसना का, ये हम लोग पटना की हिंदी बोल रहे हैं इसमें क्योंकि ये हिंदी पिक्चर है, पटनैया जिसको कहते हैं, जो ये मिक्स है सारे डिफरेंट एक्सेंट्स का वहाँ पे, और ह्यूमर बहुत ही क्लेवर है। राज हमारे राइटर ने लिखा है, डायलॉग राइटर जी ने, ये है जी, एंड ये खुद भी डायरेक्ट कर रहे हैं अपनी अगली पिक्चर। तो आई थिंक जो फ्लेवर लाए हैं हम लोग इस कहानी से, इस डायलॉग से, आपने पहले कभी ऐसे रेलेवेंट बट येट फनी डायलॉग्स नहीं देखे होंगे, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया परी के साथ ऐसे पान खा के इनको परेशान करना पिक्चर में। और फिर देखते हैं कि आप हमारी शादी होती कि नहीं होती, इसमें देखिए आप। बहुत मज़ा आया था क्योंकि हंसी तो फंसी के टाइम पे वी वर वेरी न्यू, आई थिंक सिड की सेकेंड फिल्म थी, माइन वॉज थर्ड और फोर्थ समथिंग लाइक दैट, तो वी वर वेरी न्यू हम लोग सेट पे, यू नो वी वर स्टिल गेटिंग टू नो ईच अदर, गेटिंग टू नो फिल्म्स। एंड वहाँ पे विनिल सर जो वहाँ पे डायरेक्टर थे, ही ऑलवेज यूज़ टू से केमिस्ट्री, एक दूसरे की आंखों में देखो, आई वांट टू सी लव इन योर आईज एंड ये सब। बट इस फिल्म पे वी आर काइंड ऑफ इक्वल्स एंड वी आर लाइक काइंड ऑफ अगेंस्ट ईच अदर, तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लव, इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ केमिस्ट्री दैट आई गॉट टू एक्सप्लोर विद हिम, विच आई थिंक आई होप फैंस रियली लाइक। एंड जो आपका सवाल था, जस्ट टू आंसर कि आई थिंक किसी भी तरह की शादी अगर ज़बरदस्ती हो वो अच्छी नहीं होती, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, बट इन दिस फिल्म हम लोग कोई सीरियस मैसेज या लेक्चर नहीं दे रहे, हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि ये चीज़ इंडिया में एक्चुअली होती है, बट क्योंकि यू नो वी ऑल लव वॉचिंग फनी मूवीज एंड कॉमेडी, हमको बहुत पसंद आती है, तो हमने उस टेक में इस स्टोरी को हाईलाइट किया है। उसको हमारी शादी में बहुत इंटरेस्ट है भाई, हमारी ही कारण है। आप लोग दो अपनी रेट, आपकी हो तो हाँ, इसमें जैसा जैसे आपने कहा ना कि केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत अच्छी है, हाँ। और इनकी फिजिक्स भी बहुत अच्छी थी, हाँ। और दोनों की बायोलॉजी भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल हाँ, इतनी चीजें सर ने बता दिया। अभी हमारी शादी, प्रोड्यूसर साहब हमारी शादी अभी पता नहीं, सोचा नहीं सर आपकी शादी जबरदस्ती हो, मुझे लगता नहीं यार कोई मेरे कोई जबरदस्ती करवा पाएगा कुछ भी, खुद ही करना पड़ेगा। आप एक मैट्रिमोनियल एजेंसी खोल लो, जबरदस्ती करेंगे इनके संग। खानदानी शफा गाना, सो व्हाट्स द स्ट्रेटजी बिहाइंड इट? पहले ये बताइए डिले का क्या कारण रहा और फिर दूसरा व्हाट्स द स्ट्रेटजी फॉर द क्लैश? डिले का तो सबसे बड़ा रीज़न था कि कुछ शूट जो है बारिश की वजह से लखनऊ में हम नहीं कर पाए थे, सो उसके बाद फिर परी और सिद्ध दोनों बिजी हो गए दूसरी फिल्मों में, सो डेट समय आई थिंक मार्च अप्रैल के आसपास कहीं मिली जो हमने शूट किया, गाना और चार पांच दिन का पैच वर्क था, उस वजह से मई तो हम नहीं आ सकते थे। बाकी रही बात क्लटर्ड की, तो आज मुझे लगता नहीं कि कोई एक फिल्म सोलो कहीं रिलीज हो पाएगी या हो रही है अभी, सो किसी न किसी के साथ किसी न किसी को तो आना पड़ेगा।
So as कोई intentionally है, this is the date we thought we are ready to come, so we are coming. And since it's a मासी film, उन्होंने अपनी मासी से पूछ लिया था. Sir, we were waiting for this. माइक ले लो प्लीज, बहुत सारे ऐसे जोक्स आने वाले हैं गाइज, प्लीज बी प्रिपेयर्ड, ये होने वाला है बहुत. सर इनका माइक ऑफ कर.